आज की वीडियो से हमारे चैनल में कंप्लीट कैंडलस्टिक कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे, सेकंड वीडियो में हम आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे और थर्ड वीडियो में हम आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे। और अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद आप सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख चुके होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिनों बाद देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि एक कैंडल बनती कैसे है। आपने जनरली दो तरह की कैंडल्स देखी होंगी, एक होती है ग्रीन कैंडल और दूसरी होती है रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल कब बनती है? ग्रीन कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है और इसीलिए इसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। और रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस गिरती है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि कैंडल में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पतला सा थिन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको विक कहा जाता है और इसको शेडो भी कुछ लोग कहते हैं। तो ऊपर का जो ये पार्ट है, पतला सा थिन पार्ट है, इसको विक, नीचे वाला भी विक है। लेकिन क्योंकि ये ऊपर की साइड है इसलिए इसको अपर विक भी कहा जाता है और जो नीचे वाला पार्ट है, जो थिन पार्ट है नीचे वाला, इसको लोअर विक भी कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इसको शेडो भी बोलते हैं। तो कैंडल्स बेसिकली विक और बॉडी से बनती है। तो विक तो आपको समझ आ गया है कि जो ऊपर पतला सा जो पार्ट है, थिन वाला पार्ट है इसको, और नीचे वाला जो थिन वाला पार्ट है इसको हम विक कहते हैं, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉडी। जो कि ये आपको थिक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है कैंडल की बॉडी। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। तो अब आपको समझ आ गया है कि कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है कैंडल की विक और दूसरा होती है कैंडल की बॉडी। तो अब ये समझते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। तो देखिए, ये जो ग्रीन और रेड कैंडल है, इन दोनों के ही बनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब सबसे पहले अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कैंडल है ना, यहां पर इसकी जो बॉडी है वो बताती है कि शेयर की प्राइस कहां पर ओपन हुई और कहां पर क्लोज हुई, और जो इसकी विक है वो इसका हाई एंड लो पॉइंट बताती है। तो मान लेते हैं कि ये जो कैंडल है ये एक पूरे दिन की कैंडल है। तो ऐसे में ये कैंडल कैसे बनेगी? ये कैंडल तब बनेगी जब शेयर की जो प्राइस है, जब सुबह शेयर मार्केट ओपन हुआ होगा उस टाइम पर शेयर की प्राइस यहां पर रही होगी। तो ये इसकी ओपन प्राइस है। अब शेयर की जो प्राइस है वो जिस टाइम पर ओपन हुआ था शेयर वो यहां पर थी, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे गई हो, यानी पूरे दिन में हो सकता है प्राइस नीचे गई। तो जो ओपन प्राइस थी वहां पर कैंडल की बॉडी स्टार्ट हुई और उसके बाद प्राइस नीचे गिरने लगी। अब गिरकर प्राइस यहां तक आई होगी तो ये इसका लो पॉइंट हो गया, हमने यहां पे मेंशन भी कर रखा है। तो जहां तक नीचे आपको विक दिखाई देगी वो उसका लो पॉइंट होगा। अब हो सकता है कि एक दिन में शेयर की प्राइस यहां पर ओपन हुई, अब प्राइस नीचे तक आ गई थी लो तक, लेकिन लो के आने के बाद हो सकता है कि प्राइस रिकवर हुई, अपनी जो ओपन प्राइस थी उससे भी ऊपर जाने लगी, जाते 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 प्राइस टॉप तक यहां तक पहुंची, यानी जो विक का अपर पार्ट है यहां तक प्राइस गई। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम तक प्राइस थोड़ा नीचे आई और यहां पर आने के बाद प्राइस क्लोज हो गई। तो ये जो बॉडी है वो किस तरीके से बनेगी? बॉडी बनेगी जब प्राइस जहां पर ओपन हुई और जहां पर क्लोज हुई वहां पर जाकर बनेगी कैंडल की बॉडी। और जहां तक प्राइस नीचे गिरी थी वो प्राइस का क्या पार्ट होगा? वो प्राइस का लो पार्ट होगा। और जहां तक शेयर की प्राइस ऊपर तक गई थी वो इसका कौन सा पार्ट होगा? वो उसका हाई पार्ट होगा। अब ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस गिरती है। तो अगर रेड कैंडल बनी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर की प्राइस गिरी है। तो यहां पर भी जो हाई है वो तो सेम है, जो लो है वो भी सेम है, लेकिन क्योंकि शेयर की प्राइस गिरी है तो यहां पर देखिए, यहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी, लेकिन इस केस में शेयर की प्राइस इस जगह पर ओपन हुई है। यानी मान लीजिए जब आज शेयर खुला तो वो हो सकता है कि यहां पर 100 रुपए में खुला, लेकिन 100 रुपए में खुलने के बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस बढ़कर उस दिन में 110 रुपए तक गई। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। और 110 रुपए जाने के बाद अब वापस से पूरे दिन में प्राइस गिरने लगी, उसके बाद 100 रुपए से भी नीचे आ गई, नीचे आते 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 यहां पर हो सकता है कि प्राइस उस दिन में 80 रुपए तक आ गई। अब 80 रुपए आने के बाद शेयर की प्राइस वापस रिकवर हुई और जिस टाइम पर मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर जो शेयर की प्राइस है वो 90 रुपए पे क्लोज हो गई, जो कि जिस प्राइस में शेयर ओपन हुआ था 100 रुपीज उससे कम है 90 रुपीज,
इसलिए ये एक रेड कैंडल बनी है। जबकि ग्रीन कैंडल में जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ 90 रुपीज पे ओपन हुई थी, उसके बाद हो सकता है कि प्राइस गिरकर 80 रुपीज तक आई, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ते बढ़ते हो सकता है 110 रुपीज तक गई, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम पर शेयर की प्राइस 100 रुपीज थी। तो क्योंकि शेयर ओपन 90 रुपए पे हुआ था, क्लोज 100 रुपए पे हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। और क्योंकि यहाँ पर शेयर ओपन 100 रुपए में हुआ था और क्लोज 90 रुपए में हुआ है, इसलिए ये एक रेड कैंडल है। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ओपन एंड क्लोज होने का ही है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती है। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी आप हमारे कोर्स के 2 लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल है, लेकिन iOS में ऐप को कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके नाम में जो हैमर है उसका मतलब हथौड़े से है, और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यही वो एक हैमर पैटर्न है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हथौड़े जैसा दिखाई दे रहा है। हथौड़ा भी कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी कुछ बिल्कुल सिमिलर सा दिख रहा है। अब अभी आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत लंबी एक लोअर विक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अपर विक नहीं है। अब मान लीजिए किसी केस में यहाँ पर एक छोटे से विक होती, तब भी उसको हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर छोटी सी विक आपको देखने को मिलती है, तो उसको भी आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी विक ऊपर की साइड पर नहीं है। तो हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी आपको ये एक ग्रीन कलर का पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर ये रेड कलर का भी होता तब भी हम इसको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते, और तब भी ये बुलिश पैटर्न ही होता, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी जब भी ये पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हर बार कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कई बार फेक सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अब ये बन कैसे रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि ग्रीन कैंडल कब बनती है। ग्रीन कैंडल बनती है जब शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस हो सकता है नीचे तक गई, यानी ये इसका लो पॉइंट है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर शेयर की प्राइस हो गई क्लोज। अब इसके बाद अगर हल्की सी ऊपर विक होती तो यहाँ पर ये इसका हाई पॉइंट हो जाता। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इस कैंडल के बनने का मतलब क्या है? इस कैंडल के बनने का मतलब यह है कि शेयर की प्राइस ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पर सेलर्स काफ़ी हावी हो गए और उसको नीचे की तरफ ले जाने लगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो बुल्स हैं या फिर जो बायर्स हैं उनकी डोमिनेंस है, जिसकी वजह से इतना नीचे ले जाने के बाद भी उन्होंने वापस से शेयर की प्राइस को रिकवर किया, यानी ज़्यादा बायर्स इस शेयर में आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी। जहाँ पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी उससे भी ज़्यादा बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो गई, और ऊपर जहाँ पर ये क्लोज हुई है वहीं के आसपास इसका हाइयर पॉइंट भी है, जिसकी वजह से ये एक हैमर कैंडल बनी है। और इससे हमें समझ आ रहा है कि क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी और उसके बाद बायर्स इसको वापस ऊपर रिकवर करके लेकर आए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल है। तो ये कैंडल जब भी बनेगी उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हैमर कैंडल जब बनती है ना, उस टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी लोअर विक है वो इसकी बॉडी के एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए, तभी उसको हैमर कैंडल कंसीडर किया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक हैमर कैंडल तभी बुलिश सिग्नल देगी जब वो डाउन ट्रेंड में होगी, यानी पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद यहां पर बायर्स के हाथ में कंट्रोल आया है, तो इसका मतलब है कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, यानी इससे पहले जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस एक हैमर कैंडल में फॉलो की जाती है। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि हैमर कैंडल बनी कैसे है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल है, ये भले ही रेड कलर की है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसे हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक शेयर की जो प्राइस है वो गिर रही थी,
तो शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी है। तो यहां पर आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है और हैमर कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई, यानी यहां पर हैमर कैंडल ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो इस तरीके से ये हैमर कैंडल काम करती है, ये आपको समझ आ गया है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे ही ये हैमर कैंडल बन जाती है तो उसके बाद वाली कैंडल के ऊपर यहां पर आप कहीं पर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हैमर कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट यानी यहां पर होगा, और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है जिससे आपको लगता है कि शेयर की प्राइस गिर सकती है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई फिक्स रूल ही चाहिए तो आप एटलीस्ट जो आपका स्टॉप लॉस है, मान लीजिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम में बनते हैं, यानी 1 मिनट की कैंडल में भी बनेंगे, 5 मिनट में भी बनेंगे, 10 मिनट में भी बनेंगे, 15 मिनट में भी बनेंगे, 1 डे में भी बनेंगे, और ये वीकली या मंथली चार्ट में भी बनेंगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में इनको देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेली या वीकली कैंडल में भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर। अब चलते हैं हमारे सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन के ऊपर। अब ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये हैंगिंग मैन कब कहलाया जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों पड़ा है। तो इसका नाम हैंगिंग मैन पड़ा है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि लटक रहा है। तो ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति लटक रहा है, इसलिए इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, जबकि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था, ये अप ट्रेंड में बनता है, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और जैसे ही ये हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। यानी अगर हैमर जैसा ही दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बने तो उसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, और उस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यानी ये एक रेड कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर इसकी जगह पे मान लीजिए ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता तब भी इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही माना जाता, और इसका जो साइज है वो भी बिल्कुल हैमर जैसा ही है। तो इसकी भी जो लोअर विक है ना वो भी इसकी बॉडी के कंपैरिजन में इसके 2 टाइम्स होनी चाहिए। अब वैसे तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई भी विक नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी छोटी सी विक होती तो उसको भी हम हैंगिंग मैन पैटर्न ही कंसीडर करते। मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा भी देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बना है, जबकि जो हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बना है, लेकिन दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है। उसका मतलब भी तब भी यही होता क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते उसमें एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसमें शेयर की प्राइस बहुत नीचे गई है, भले ही उसके बाद रिकवर होकर ऊपर चली गई, लेकिन यहां पर हमें समझ आ रहा है कि अब धीरे धीरे जो शेयर है वो सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यानी ये अगर रेड कलर की जगह ग्रीन कलर का भी बने तब भी उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के ही चांसेस होते हैं। और ये पैटर्न काम कैसे करता है, यानी इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, भले ही उतना क्लियरली नहीं बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही थी, और प्राइस के बढ़ने के बाद इस तरीके का एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि भले ही ग्रीन कलर का है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहां पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसे ही यह पैटर्न बन गया उसके बाद प्राइस गिरने लग गई। तो इस तरीके से यह पैटर्न काम करता है। अब मान लीजिए अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो इस केस में आपको इस हैंगिंग मैन कैंडल के बनने के नीचे पर यहां पर शॉर्ट सेल करना होगा।
आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप चाहें तो इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आप चाहें तो इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके टॉप पे अपना स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो टारगेट आप वहां तक लेकर चल सकते हैं जब तक आपका जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हो जाता, या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जिससे आपको लगता है कि अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं और इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। अब हैंगिंग मैन के बाद जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। उस पैटर्न के बारे में बताने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप अपने लिए बिल्कुल फ्री में और बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, इसके नाम में जो इन्वर्टेड हैमर है उसका मतलब है उल्टा रखा हुआ हथौड़ा। तो ये जो सीधा रखा हुआ हथौड़ा है यानी जो हमारा हैमर पैटर्न था वो कुछ इस तरीके का नजर आता था, तो जो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है वो उल्टा रखा हुआ हैमर है तो वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न और ये एक बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो पैटर्न है इसके बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वो नीचे की तरफ गिर रही थी और उसके गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद अब प्राइस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उसने अपना हाई बनाया और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी, लेकिन गिरने के बाद भी वो यहाँ पर यानी जहाँ पर वो ओपन हुई थी उससे ऊपर क्लोज हुई। तो आप समझिए कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी यानी यहाँ पर जो शेयर था वो सेलर्स के कंट्रोल में था, मतलब ज़्यादा लोग सेल कर रहे थे इस वजह से प्राइस गिर रही थी, और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो बायर्स हैं वो शेयर को बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं और उसके बाद शेयर की प्राइस अगर गिरती भी है तब भी वो ग्रीन कैंडल बनती है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर रेड भी बनती तब भी उसको हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही कंसीडर करते और तब भी वो एक बुलिश सिग्नल ही देती। तो इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया है, इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है कि जो विक है ना, जो अपर विक है, वो बॉडी के 2 times के आसपास होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 times के आसपास है और मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है और ये एक बुलिश सिग्नल देता है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इसमें अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इससे पहले जो शेयर है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर डाउन ट्रेंड में था यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके बनने के बाद आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे, तो इस केस में ये जो हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं, इसका जो लो पॉइंट है वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और टारगेट के लिए आपको जब तक कोई भी ऐसी कैंडल ना मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप जितना स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए अगर 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो आप 20 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में काम करता है, इवन जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सभी टाइम फ्रेम में काम करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। वैसे अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हम और सीरीज लेकर आते रहें तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी एक सीरीज लाने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी सीरीज लेकर आए तो कॉमेंट जरूर कीजिए। हम 6 to 7 वीडियो की एक कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज लाना चाह रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे। तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये पैटर्न भी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, ज्यादा क्लियरली आपको यहां पर दिखाई देगा, तो ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है। इसके नीचे अगर लोअर विक है तो वो भी चलता है, अगर ना हो तो वो भी शूटिंग स्टार ही कंसीडर किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्वर्टेड हैमर में जो शेयर था वो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर पहले अप ट्रेंड में है।
आप फर्क अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए, इन्वर्टेड हैमर में पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहां पर जो हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न है इसमें पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम टूटते हुए तारे के ऊपर रखा गया है और मैंने आपको बताया ही है कि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और यहां पर भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मान लीजिए ये एक ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये इस तरीके से रेड कलर का भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो तब भी उसको शूटिंग स्टार ही कंसीडर किया जाएगा, यानी यहां पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस पैटर्न के बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों शूटिंग स्टार पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, बट ये पैटर्न बना कैसे है चलिए अब वो समझते हैं। तो देखिए, इस पैटर्न के बनने का मतलब यह है कि क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, मैंने बताया कि अगर रेड का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रीन का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना इसमें शेयर की प्राइस बहुत ऊपर तक गई लेकिन यहां पर सेलर्स डोमिनेंट होने लगे और उन्होंने वापस शेयर की प्राइस को नीचे तक लेकर आए, तो तब जाकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो क्योंकि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और अब यहां पर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शेयर की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसे नीचे लेकर आ गए हैं, तो इसलिए इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसमें भी रूल बिल्कुल सेम है कि इसकी जो विक है, यानी जो ऊपर वाली विक आपको दिखाई दे रही है, वो इसकी बॉडी के 2 times से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए या आसपास भी हो तो चल जाएगा, इस केस में तो काफी बड़ी है, तो इसलिए ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। और यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है कि कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो उसको हम शूटिंग स्टार ही कंसीडर करते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बनता है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है जो कि ग्रीन कलर का है, मैंने आपको बताया कि कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिर गई। तो यहां पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे। तो इस केस में अगर मान लीजिए आप यहीं पर शॉर्ट सेल कर देंगे तो इसके बाद क्योंकि यहां पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, इसलिए आपको इसके बाद वाली कैंडल में मतलब यहां पर कहीं पर शॉर्ट सेल करना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल में शूटिंग स्टार बना है, यानी जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसका टॉप वाला पॉइंट होगा, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए मैंने आपको बताया है कि जब तक आपको कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप 2 times ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर भी चल सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको सही में समझ आ भी रहा है या फिर नहीं, इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 candlestick पैटर्न बना रखे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये एक शूटिंग स्टार है और मैं कह रहा हूं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। तो आपको ये बताना है कि ये शूटिंग स्टार पैटर्न क्यों है और ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्यों है, जबकि ये दिखने में दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी के अभी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपको जवाब मालूम नहीं है तो एक बार थोड़ा पीछे जाकर दोबारा वीडियो देखो, हमने इसका जवाब इस वीडियो में दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। वैसे अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम इसके बाद इसके 2 parts और लेकर आएंगे, उन पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको हमारी वीडियो का एक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। यहां पर जो मारुबोजू टर्म है इसका मतलब जैपनीज में टकले आदमी से होता है, इसके साथ साथ ही इसका मतलब डोमिनेंस से भी है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं, इसमें ना कोई अपर विक है और ना कोई लोअर विक है। मान लीजिए अगर छोटी सी अपर विक होती या फिर छोटी सी लोअर विक होती तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते,
यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जनरली विक नहीं होती है और एक बड़ी सी लंबी सी बॉडी होती है। बट यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इससे पहले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे वहां पर वो रेड कलर में भी बन सकते थे और ग्रीन कलर में भी बन सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है इसलिए ये ग्रीन कलर का ही बनता है और इसमें ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और तब जाके बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी बढ़ रही है, शेयर अप ट्रेंड में है और उसके बाद भी मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि यहां से शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर मान लीजिए ये पूरे 5 मिनट की कैंडल है तो इस केस में आप देखें कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई और इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई। तो यहां पर आप देखें कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई, तो इसका जो लो पॉइंट है और जो इसका ओपन पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे शेयर की प्राइस गई होती और थोड़ा सा नीचे इसका लो पॉइंट होता तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। अब इसके बाद यहां से शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर तक गई और पूरे 5 मिनट के अंदर जिस टाइम पीरियड में कैंडल बन रही है, चाहे एक दिन में बन रही है चाहे 5 मिनट में बन रही है, उस टाइम पीरियड में जितना ऊपर तक गई वहीं पर जाकर ये क्लोज हो गई। यानी पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस बढ़ती ही गई, ना ज्यादा नीचे गई और ऊपर जाने के बाद शेयर की प्राइस क्लोज हो गई। और यहां पर आप इस देख सकते हैं कि इसका जो हाई है और जो इसका क्लोज है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए इसका हाई थोड़ा सा ऊपर होता या ऊपर छोटी सी एक विक होती तब भी हम इसको मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इसका मतलब है कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से वो शेयर की प्राइस को ऊपर तक लेकर गए हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि बायर्स यहां पर डोमिनेंट हैं तो इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो यहां पर आप एक बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ गए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि कलर की इंपॉर्टेंस होती है, ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर आपको एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस थी वो यहां पर ओपन हुई थी और यही इसका लो पॉइंट भी था, और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती गई, बढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर तक यहां पर एक विक दिखाई दे रही है। ज्यादा ही यहां पर ड्राइंग हो गई है तो मैं इसको हटा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी विक यहां पर दिखाई दे रही है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर वहीं पर शेयर की जो प्राइस थी वो क्लोज हो गई। यानी यहां पर इसका क्लोजिंग पॉइंट है और यहां पर इसका हाई पॉइंट है, और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लग गई। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। यानी जब भी आपको इस तरीके का एक बुलिश मारुबोजू देखने को मिलता है तो इसके बाद सीधा सा मतलब है कि शेयर की प्राइस अब बढ़ने के चांसेस हैं। अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो जहां पर बुलिश मारुबोजू बनी है आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं, यानी यहां पर आप कहीं पर बाय कर सकते हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर वो पूरा जितनी ये कैंडल बनी है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ऐसे में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पर आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इस केस में आप इस कैंडल के हाफ में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई भी ऐसा सिग्नल ना मिले जहां से आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जितना आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं, मान लीजिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप ऊपर 40 पॉइंट का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मारुबोजू बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। अब सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि इसी का पार्ट है वो है बियरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझा ही दिया है, और यहां पर बियरिश का सीधा सीधा मतलब है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और इसमें एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जिसके ना तो ऊपर विक होती है ना नीचे विक होती है। अगर छोटी विक हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी हम बियरिश मारुबोजू ही कंसीडर करेंगे। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये रेड कलर की है तभी ये बियरिश मारुबोजू है। और इसके साथ ही यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लीजिए अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है
और ऐसे में ये मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी गिर रही है और उसके बाद मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो यहां से भी चांसेस हैं कि शेयर की प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस थी वो यहां पर ओपन हुई थी, और जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर उसका हाई पॉइंट भी था। अगर थोड़ा ऊपर भी होता तो मैंने आपको बताया कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी, और गिरते 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 अगर मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है तो पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस गिरती ही रही और यहां पर जाकर क्लोज हुई, और जहां पर शेयर की प्राइस क्लोज हुई वहीं पर जाकर इसका जो लो पॉइंट है वो भी है। और अगर थोड़ा नीचे भी होता तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, सेलर्स के हाथ में डोमिनेंस है, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस और ज़्यादा गिर सकती है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की पोजिशन ले सकते हैं। अब अगर आप शॉर्ट करने की पोजिशन लेंगे तो वो पोजिशन आपको कैसे लेनी है, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद ये मारुबोजू कैंडल बनी और उसके बाद शेयर की प्राइस और ज़्यादा गिरने लग गई। यानी जहां पर ये पैटर्न बनेगा उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होंगे। अब अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं, तो यहां पर क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न है तो आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो आप इस कैंडल के नीचे यानी यहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये कैंडल उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल होती तो आप इसके आधे में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते थे। और टारगेट के लिए आपको पता है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से शेयर की प्राइस वापस रिवर्स हो सकती है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जितना आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं उसके 2 टाइम्स का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप नीरज जोशी इंट्राडे ट्रेडिंग प्लेलिस्ट लिखकर भी सर्च कर सकते हैं और इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और इस तरीके से आप कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू से होता है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में कुछ लट्टू जैसा दिखाई देता है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप और दूसरा होता है बियरिश स्पिनिंग टॉप। तो चलिए सबसे पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं। तो देखिए, दिखने में ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्योंकि लट्टू जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप बना रखा है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यानी ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी जो लोअर एंड अपर विक है ये दोनों लंबी होनी चाहिए, और ये जनरली जो इसकी बॉडी है इसके 2 टाइम्स होनी चाहिए। यानी इस बॉडी के 2 टाइम्स अपर और 2 टाइम्स लोअर विक होनी चाहिए। इसके थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि ऊपर या नीचे से बिल्कुल बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे से छोटी बड़ी हो सकती है। यानी ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, और इसकी जो अपर एंड लोअर विक है वो इसकी बॉडी के ऑलमोस्ट 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्पिनिंग टॉप को बुलिश स्पिनिंग टॉप होने के लिए जो शेयर की प्राइस है वो पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो फिर ये बियरिश स्पिनिंग टॉप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है जो कि ग्रीन कलर का है। अगर ये रेड कलर का भी होता तब भी ये बुलिश स्पिनिंग टॉप ही होता, और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी यहाँ पर सेलर ज़्यादा एग्रेसिव थे, मतलब ज़्यादा लोग सेल कर रहे थे जिस वजह से शेयर की प्राइस गिर रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद सेलर्स क्योंकि एग्रेसिव थे वो शेयर की प्राइस को नीचे लेकर गए, लेकिन यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव होने लगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बाय करना शुरू कर दिया जिससे बायर्स शेयर की प्राइस को बहुत ऊपर तक लेकर गए, और ऊपर जाने के बाद वापस से सेलर्स एग्रेसिव हो गए और वापस से वो शेयर की प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आए, और ऐसे ये कैंडल बनी है।
अब मान लीजिए ये अगर रेड कलर की भी बनती तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि क्योंकि पहले सेलर्स एग्रेसिव थे, वो शेयर की प्राइस को गिरा रहे थे, लेकिन अब बायर्स शेयर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल ढूंढनी होगी, और जब ये कैंडल बनती है तो उसके बाद इसका जो लोअर पॉइंट है वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, इसका जो अपर पॉइंट है यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता है जो हम हमेशा से रूल फॉलो कर रहे हैं कि जब तक कोई कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्स करने का सिग्नल नहीं दे देती है तब तक हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्पिनिंग टॉप है, बुलिश स्पिनिंग टॉप, उसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए बेयरिश स्पिनिंग टॉप की बात करें तो वो स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरीके का नजर आता है। इसमें कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यहाँ पर ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए ग्रीन कलर का भी होता तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी के 2 times के आसपास होनी चाहिए, दोनों ऊपर एंड नीचे साइड से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर जो हमारा बेयरिश एंड बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न था वो हमारा डाउन ट्रेंड में बन रहा था, जबकि ये जो हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न है ये हमारा अप ट्रेंड में बनता है। तो जब भी अप ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप बनता है तो उसको हम बेयरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया है कि जो बेयरिश स्पिनिंग टॉप है ये अप ट्रेंड में बनता है, तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ पर ओपन होती है, उसके बाद क्योंकि बायर्स एग्रेसिव थे तो वो शेयर को ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बाद सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शेयर की प्राइस को नीचे की तरफ गिराने लगते हैं और शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है, लेकिन इसके बाद वापस से शेयर की प्राइस रिकवर करने की कोशिश करती है लेकिन उतनी ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाती है और यहाँ पर जाकर शेयर की प्राइस क्लोज हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में एक एग्रेसिव फाइट चल रही है, जिसमें क्योंकि पहले बायर्स जीत रहे थे तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स की डोमिनेंस आ सकती है, तो इस वजह से इस कैंडल के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो चलिए अब वो भी समझ लेते हैं कि वो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए और कैंडल कुछ इस तरीके की बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि शेयर अप ट्रेंड में है, उसके बाद हमारा एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगी है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं? तो क्योंकि ये एक बेयरिश सिग्नल देता है तो अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो शॉर्ट सेल आप इसका जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर कर सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का जो अपर पॉइंट है यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिसके बाद आपको लगे कि ट्रेंड चेंज हो सकता है तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 times का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है डोजी एंड लॉन्ग लैग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये दिखने में बिल्कुल स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिखाई देता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्पिनिंग टॉप है इसकी बॉडी डोजी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है, ये जो डोजी है उसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है और इसकी जो विक्स है वो बहुत लॉन्ग होती है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे तक गई, उसके बाद वापस से शेयर की प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो गई, यानी इसकी जो ओपन एंड क्लोज प्राइस है वो बहुत पास होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस बहुत नीचे एंड बहुत ऊपर गई होती है। और सिमिलरली जो हमारा लॉन्ग लेग्ड डोजी है वो भी बिल्कुल डोजी की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके जो लेग हैं यानी जो इसकी विक है वो नॉर्मल डोजी के कंपैरिजन में, जिसको हम स्टैंडर्ड डोजी भी कहते हैं, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी होती है। यानी जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है उसकी बॉडी अगर छोटी हो जाए
तो वो बुलिश डोजी हो जाती है, और अगर बेयरिश स्पिनिंग टॉप की बॉडी छोटी हो जाए तो वो हमारी बेयरिश डोजी हो जाती है। तो अगर आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहते हैं और इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो जैसे हम स्पिनिंग टॉप में ट्रेड लेते हैं वैसे ही आप डोजी में भी ट्रेड ले सकते हैं, और लॉन्ग लेग्ड डोजी में भी बिल्कुल सेम है। और जनरली ज्यादातर लोग सिर्फ लॉन्ग लेग डोजी की बात करते हैं, डोजी को इग्नोर कर देते हैं, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड डोजी होता है और एक लॉन्ग लेग डोजी होते हैं। तो अब यहां पर इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगी, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ गिरी उसके बाद जो बायर्स थे वो एग्रेसिव हो गए, वो शेयर की प्राइस को ऊपर तक लेकर गए, लेकिन ऊपर जाने के बाद सेलर्स एग्रेसिव हो गए, वो शेयर की प्राइस को वापस नीचे तक लेकर आए, और वहां तक लेकर आए जहां पर जो शेयर की प्राइस है वो ओपन हुई थी। तो इसकी जो ओपन एंड क्लोज प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जिस वजह से ये कैंडल बन रही है। तो क्योंकि यहां पर बायर्स भी एग्रेसिव हैं, सेलर्स भी एग्रेसिव हैं, और कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो कैंडल होती है ये इनडिसीजन को बताती है, यानी अभी कोई भी डिसीजन नहीं है कि कौन बढ़ सकता है कौन घट सकता है। अगर मान लीजिए जो हमारी डोजी है वो डाउन ट्रेंड में बनती है तो वो एक बुलिश डोजी हो जाती है, और अगर मान लीजिए हमारी जो डोजी है वो स्पिनिंग टॉप की तरह ही अगर अप ट्रेंड में बनती है तो वो हमारी बेयरिश डोजी हो जाती है। तो आप स्पिनिंग टॉप और डोजी को बिल्कुल सिमिलर समझ सकते हैं, बस उनका जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और उनके बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी दोनों ही कैंडल इस बात पर डिपेंड करेंगी कि वो अप ट्रेंड में बन रही है या डाउन ट्रेंड में बन रही है। तो हमारा जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बिल्कुल स्पिनिंग टॉप की तरह ही काम करता है, और इसको आप स्पिनिंग टॉप की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं। और लॉन्ग लैग डोजी में भी जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक गई थी, उसके बाद बहुत ऊपर तक गई थी, और वापस जहां पर ओपन हुई थी वहीं पर जाकर क्लोज हो गई है। तो यहां पर भी बायर्स भी शेयर को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स भी नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वापस से शेयर की प्राइस वहीं पर क्लोज हो गई है। तो डोजी और लॉन्ग लैग डोजी को आप स्पिनिंग टॉप की तरह ही समझ सकते हैं और उसकी तरह ही ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने स्पिनिंग टॉप को समझ लिया है तो आप डोजी को भी इजीली ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है ड्रैगनफ्लाई। ड्रैगनफ्लाई एक इंसेक्ट होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और इसके नाम के ऊपर ही इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम पड़ा है ड्रैगनफ्लाई डोजी। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये चार्ट में कुछ इस तरीके का नजर आता है, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। तो हमने दोनों कलर का आपको जो ड्रैगनफ्लाई डोजी है वो दिखा रखा है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो इसको ड्रैगनफ्लाई डोजी कहा जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रैगनफ्लाई डोजी है ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हल्की सी एक अपर विक भी है। तो अगर इसके ऊपर हल्की सी एक अपर विक भी हो तब भी उसको ड्रैगनफ्लाई डोजी ही कहा जाता है। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, यानी इसमें कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो चलिए अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनेगा? ये कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनेगा जब शेयर की प्राइस एक ही जगह पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरती है, गिरने के बाद वापस रिकवर होती है, और जहां पर ओपन हुई थी उसी जगह पर आकर अगर शेयर की प्राइस क्लोज हो जाती है तब जाकर इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, और अगर हल्का सा ऊपर जाने के बाद वापस उसी जगह पे आकर क्लोज होगी तब भी ड्रैगनफ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनेगा। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बन रहा है। तो अब समझते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस क्यों होते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो आप जानते हैं कि पहले इस स्टॉक की प्राइस गिर रही थी और उसके बाद एक हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। तो अगर किसी स्टॉक की प्राइस गिर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस स्टॉक में सेलर ज्यादा एक्टिव है, यानी ज्यादा लोग उसे सेल कर रहे हैं। तो एक स्टॉक में पहले सेलर ज्यादा एक्टिव थे, उसके बाद एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसपे जब शेयर की प्राइस ओपन होती है तो शेयर की प्राइस ओपन होते ही थोड़ा नीचे गिरने लगती है क्योंकि सेलर्स एक्टिव हैं, लेकिन वहां पर अचानक से बायर्स आ जाते हैं और बायर्स आकर उस शेयर को वापस वहीं तक लेकर जाते हैं जहां पर वो स्टॉक ओपन हुआ था, और वहीं पर जाकर वो स्टॉक वापस क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी तक तो सेलर्स एक्टिव थे लेकिन अब यहां से बायर्स भी एक्टिव होने लगे हैं, तो यहां से चांसेस हैं कि अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, और इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है।
तो अब आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ गया है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी तक जो स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी, और शेयर की प्राइस गिरने के बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी है। अब जैसी ये कैंडल बनी उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लग गई। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं और वो अगर आप जैसे ही ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है और उसके ऊपर यहां पर ले लेते हैं तो यहां पर शेयर की प्राइस गिरने के भी चांसेस होंगे। तो इसलिए आपको यहां पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेड लेना है। तो आप यहां पर बाय करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे होगा, यानी यहां पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए आपको पता है कि जो सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि जब तक कोई भी हमें ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिल जाता जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर रहा हो, तब तक हम अपने ट्रेड में बने रहेंगे। तो इस तरीके से आप ड्रैगन फ्लाई डोजी के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिससे आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी फिलहाल ग्रेव स्टोन डोजी को भी समझ लेते हैं। तो ग्रेव स्टोन के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो ग्रेव के ऊपर पत्थर रखा होता है उसको ग्रेव स्टोन कहा जाता है, और उसके ऊपर ही इस ग्रेव स्टोन डोजी का नाम रखा गया है। तो ये जो ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ड्रैगन फ्लाई का जस्ट अपोजिट है। जो ड्रैगन फ्लाई पैटर्न था वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, और जो हमारा ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ही यहां पर कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क यहां पर पड़ता है ट्रेंड से। जैसे उस वाले केस में आपने देखा था ड्रैगन फ्लाई के केस में कि वहां पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, और ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। इसके साथ साथ ही वहां पर आपने देखा था कि उसकी जो लोअर विक थी वो लॉन्ग थी और कोई भी अपर विक नहीं थी, और बॉडी भी बहुत छोटी थी। यहां पर इसकी अपर विक लॉन्ग है, कोई भी लोअर विक नहीं है, और बॉडी भी बहुत छोटी है। तो अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के पीछे का लॉजिक भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है, उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जहां पर शेयर ओपन होता है यहां पर, और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है, लेकिन इसके बाद सेलर्स थोड़े से एक्टिव होते हैं और शेयर को वहीं पर ले जाकर क्लोज करवा देते हैं जहां पर वो ओपन हुआ था। मतलब शेयर की प्राइस अगर 90 रुपीज में ओपन हुई थी तो उसके बाद मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़कर 100 रुपीज पे जाती है, लेकिन उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो वापस से 90 रुपीज के आसपास आ जाती है, और इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो इसका मतलब है कि देखो, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और इस टाइम पर सेलर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी और वो शेयर को वापस नीचे लेकर आ गए, तो इसका मतलब है कि यहां से सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए अब वो भी जान लेते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में आने के बाद एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। तो जैसे ही ये पैटर्न बनता है उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगती है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो आप, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो आप शॉर्ट सेल ही कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेल अगर आप जस्ट इसके नीचे कर देंगे तो यहां से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको इसके बाद वाली कैंडल के नीचे करना है। यानी यहां पर आप शॉर्ट सेल करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो ग्रेव स्टोन डोजी बनी है उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए आपको पता है कि जहां तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो वहां पर आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो जितना आपने स्टॉप लॉस लिया है उसके 2 times का भी टारगेट लेकर आप चल सकते हैं। तो ये था ग्रेव स्टोन डोजी, और इसी के साथ आपके सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर हो गए हैं। लेकिन ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप इन कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब उसे भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने रिसेंटली अपनी एक बुक लॉन्च की है, बीएस स्टॉक मार्केट मिलियनर। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारी इस बुक को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप अमेजोन में जाकर भी हमारी बुक को सर्च कर सकते हैं। बुक का नाम है बीएस स्टॉक मार्केट मिलियनर, या फिर आप मेरे नाम से भी सर्च करेंगे तब भी आपको अमेजोन में वो बुक मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी बता देता हूं जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि देखो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, अभी डबल एंड ट्रिपल वाली जो वीडियोस हैं वो जल्दी आने वाली हैं। अगर आप कुछ टाइम के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी सेकंड और थर्ड पार्ट जिसमें डबल एंड 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आने हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर कोई भी टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हर बार काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई
कैंडलस्टिक पैटर्न 10 बार बन रहा है तो उसमें से हो सकता है 2-3 बार उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए और 6-7 बार ही आपका वो टारगेट अचीव करवा पाए। तो इसलिए जब भी आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके ट्रेड लेते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड बोनस पॉइंट है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे यूज करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इसके बेसिस पर आप जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर रहे हैं उसमें आप कंफर्म हो सकते हैं कि यहां पर एक्चुअल में ये पैटर्न बन गया है और इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। तो वॉल्यूम को कैसे यूज करना है ये अभी चार्ट में देखेंगे और इसके साथ ही मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे आप चार्ट में इजीली किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ सकते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने 4 ऐसे तरीके बता रखे हैं और इवन 4 ऐसी वेबसाइट बता रखी है जो कि आपको बता देंगी कि कौन से स्टॉक में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि ये जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा जो कि मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पर और वहां पर दो चीजें समझ लेते हैं, एक है वॉल्यूम और दूसरा है कि कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना कैसे है ट्रेडिंग व्यू का यूज करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक चार्ट में कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और वो कहां पे बन रहा है ये हम इजीली कैसे पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में जाना है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, और यहां पे जाने के बाद आपको इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे बन रहा है, तो आपने सिंपली यहां पे हैमर लिखकर सर्च करना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको हैमर लिखकर सर्च करना है और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हैमर वाला फिल्टर है वो यहां पे लग जाएगा और आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। और अगर मैं आपको जूम मार के दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक हैमर है और ये इजिली यहां पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर देखना चाहते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे बन रहा है तो आपने सिंपली इंडिकेटर में जाना है और उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को सर्च करना है और वो जहां पर बन रहा होगा वो आपको इजीली चार्ट में नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर चार्ट में ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कौन से स्टॉक में कहां पर बन रहा है तो उसके लिए तो जो वीडियो मैंने आपको बताई आपको उस वीडियो को देखना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद ये समझ लेते हैं कि वॉल्यूम का यूज करके हमें कैसे कंफर्म करना है कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ेगी या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको वापस से इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर जाने के बाद वॉल्यूम नाम का एक इंडिकेटर होता है वो लगा देना है। तो ये हमने वॉल्यूम लगा दिया है। जैसे आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा चार्ट में ऐड हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम है ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक दिन में कितनी ट्रेडिंग हो रही है, यानी कितने शेयर्स बाय एंड सेल किए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ये ज्यादा है और उसके साथ ही कोई ऐसा पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो हमें दिखा रहा है कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो यहां से हम कंफर्म हो सकते हैं कि एक तो ज्यादा लोग उस दिन ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं, और उसके साथ ही कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है जो कि हमें बता रहा है कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से हम कंफर्म हो सकते हैं कि ज्यादा चांसेस है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और वहां पर भी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब भी यही है कि ज्यादा लोग उसे बाय एंड सेल कर रहे हैं, और अगर ज्यादा लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं और उसके साथ ही कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है जिससे शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, तो यहां पर भी हम कंफर्म हो सकते हैं कि शेयर की प्राइस गिर सकती है। यानी दोनों ही केसेस में अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पर हम कंफर्म हो सकते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रखा है और इसके साथ ही नीचे आपको ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं वो पहले यहां पर थे और यहां पर अचानक से बार्स बढ़ रखे हैं। तो यहां पर आप कंफर्म हो सकते हैं कि एक तो हैमर बना है, दूसरा यहां पर बार्स भी बढ़े हैं यानी वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से आप कंफर्म हो सकते हैं। तो ये थी हमारी कैंडलस्टिक सीरीज की फर्स्ट वीडियो।
इसके बाद दो वीडियोस और आने वाली हैं, उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप उनको भी देख लेंगे तो उसके बाद आप सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ जाएंगे। और अगर आप थोड़े दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसमें हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसके साथ ही कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम सेकंड पार्ट डालें आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं। धन्यवाद।